तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। Hi guys, good morning. Once again, welcome back to my channel. तो today is Sunday और मम्मी ने संडे को यहाँ पे भी सुबह सुबह अपना सफाई अभियान जो है वो स्टार्ट कर दिया है. Let me show you. टाइम हो रहा है 8:25. सो द टाइम इज 2:00 और अभी जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया और आपको थोड़ा आवाज़ भी आ रही होगी, थंडरिंग हो रही है. और अभी मम्मा जो है वो गए हुए हैं बिशु में. बिशु नहीं, मेला लगा है ना यहाँ पे. तो कल प्राची गई हुई थी, आज मम्मा गए हुए. मैं अभी तक सुबह से सोई पड़ी थी. उनका ना एक्चुअली अचानक से प्लान बन गया ना, तो फटाफट से उनके कपड़े को प्रेस किया, वो लोग निकले और उसके बाद मैं सो गई थी. तो अभी उठी तो मौसम भी देख रही हूँ कि काफ़ी ख़राब हो गया बाहर और मेरे को लग रही है भूख. तो आज हमने मैंने बनाया तो कुछ नहीं है, सुबह के पराठे पड़े हुए, तो अभी बस वही खाती हूँ जो सुबह खाया था, सेम लंच करती हूँ. तो वैसे ना मेला यहाँ से इतना दूर है नहीं, सुबह भी बच्चे आए हुए थे कुछ स्कूल के जो इधर से, कहते मैम आप भी चलो. नहीं यार, मैं यहाँ पे ही चल लूँ, मेले बहुत है. मतलब यहाँ से 10-15 मिनट ही लगते होंगे मैक्स बाय मतलब वॉकिंग, पर मैं नहीं जा सकती. जो मेरी मम्मा को बोलो आपने यहाँ पे क्यों ही बोर होना है दिन भर, मतलब क्योंकि ऐसा काम तो है नहीं कुछ, तो सो रहना है. मतलब आप जाओ मेला देखे हो. वालो कैसा रहा मेला? हाँ क्या देखा फिर? छोटा देखा. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. इट्स द नेक्स्ट डे और अभी हो गई हूँ रेडी स्कूल जाने के लिए. कल तो संडे था, आज मंडे है, तो ड्यूटी स्टार्ट है. और आज ना शिमला से पापा और नितिन आ रहे हैं. वैसे तो वो लोग हमें सरप्राइज़ दे रहे हैं, बट हमें ऑलरेडी पता है कि वो आ रहे हैं. उन्होंने हमें नहीं बताया है, हमें सूत्रों से पता चला है कि वो आ रहे हैं. तो अभी मैं तो स्कूल जा रही हूँ. मैंने कॉल किया था तो बोले थे मैं कहाँ हो तुम सुबह सुबह गाड़ी में? कहते हैं अभी हम जा रहे हैं कहीं पे ऑफिस वगैरह में, हमें काम है ये वो. सो मैंने कहा चलो ठीक है. फिर मैंने भी उनका सरप्राइज़ ख़राब नहीं किया, तो लेट्स सी वो कब तक आते हैं. और अभी मैं चली, हाँ मैं चली स्कूल. और मम्मी यहाँ पे ऐसे अभी हो जाओ, नहा लो आप तब तक, ठीक है? बाय बाय. दिस इज मी, बाय गाइस. मुझे लग रहा है मैं जल्दी स्कूल आ गई हूँ, 2-4 मिनट पहले ही. अभी असेंबली स्टार्ट ही नहीं हुई है. हेलो गाइस, अगेन मम्मी गई मैं फिर से, बाय. या मेरा ना उस टाइम पे प्रेस करते बाहर ना सूट का दुपट्टा जल गया था, तो मैं पहले तो चली गई स्कूल. अभी मुझे इतना अनकम्फर्टेबल लग रहा था ना, तो अभी असेंबली ही हो रही थी, टीचर्स की गाड़ी भी पहुंच गई और ये तो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था ना, तो मैं चेंज करने आई गई. मैं चेंज करके जाती हूँ, मुझसे रहा नहीं जाएगा चली हुई चुन्नी में दिन भर. ये चीन है, ये देखिए सरप्राइज. यहाँ पे भी सरप्राइज मिला ना वापस खुद को, सर ही नहीं है इस तरह. मुझे पता था तुम आ रहे हो. हेलो हेलो, शिमला से स्वीट्स आई है, मैंने स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं की थी, तो आज जाके पहुंची है. और मेरे लिए आए हैं चुल्लू प्लम, मेरे लिए भी छोटा सा डब्बा आया हुआ है स्वीट्स का, ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ, और जूस. और यहाँ पे दोनों बहनों का प्यार देख के ना मुझसे रुका नहीं गया, मैंने सोचा ये रिकॉर्ड करना तो बनता है. आज हम अपना सारा सामान उठा के चले शिमला, रीज़न अभी आपको बताती हूँ क्यों. बाय बाय, मिलते हैं 1-2 दिन में या 6 महीने बाद. वेल गाइस, तो आज ना कल आए थे नितिन वगैरह ना पापा वगैरह, आज दूसरा दिन है. तो मेरे थोड़े से ना एक हमने ना कल बीपी वगैरह करवाया था अपना, तो
क्योंकि थोड़ी सी कुछ ऊपर नीचे चल रहा था नंबर्स, तो फिलहाल शिमला जा रही हूँ और कहते चेक वगैरह करवा लेते हैं क्या कुछ है, अगर ठीक रही तो वापस आऊँगी, नहीं रही तो फिर आपको अपडेट मिल जाएगी। तो अभी जा रहे हैं हम लोग और दादी आ रहे हैं हमारे साथ, नितिन आ गए थे लेने। Here is everyone. नितिन मुझे बीच रोड पर उतार के चले गए हैं, मुझे यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ना रोड ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसमें ना झटके लगते रहते हैं, तो मैं कहा तुम लोग जाओ मैं पैदल आती हूँ। ये बैठ गए आधी रास्ते में दादी भी आई हमारे साथ, अब हमें वहां तक जाना है, वो साइंटिस्ट जो आपने पुराने ब्लॉग में देखा हुआ था ना, इसको पैदल चलना पड़ेगा थोड़ा, नहीं शॉर्टकट नहीं जा सकते, बहुत गंदा है, तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा, बहुत गंदा है। उठो यार चलो, लेट हो जाएगी, चलो 10-15 मिनट का रह गया रास्ता, उठो उठो शॉर्टकट क्या बोल रहे हो मम्मी मम्मी बोल रहे मैंने पैदल ही जाना, मुझे नहीं बैठना गाड़ी नहीं चलना, यहीं छोड़े आपको, मम्मी बोल रहे हैं नितिन, बोले यहाँ जाती हूँ ऊपर इनके घर, मैंने नहीं आना बोले दूर है, ऐसे बोल रहे हैं। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी मॉर्निंग का टाइम एंड डोंट कंफ्यूज विथ माई सेम क्लोथ्स, धोने को पर धोने मतलब धोने ही थे ये, मैंने कहा चल आज हॉस्पिटल लास्ट बार जाना है तो इन्हीं को पहन के चल लेते हैं, तो क्या कहते हैं अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल, लेट्स सी आज डॉक्टर क्या कहते हैं, इसी के लिए हम आए हैं। और जैसे कि मैंने बताया था थोड़ा सा बीपी वगैरह हाई चल रहा है, तो शाम को भी चेक किया था तो भी थोड़ा हाई था, तो लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं नितिन और मम्मा चले, मम्मी आ रहे हैं हमारे साथ आज। शिमला का मौसम ख़राब हो रहा है, हाय कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे अभी पहुँच के, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमें क्या बोले कि आज यहाँ पे नीचे इतनी भीड़ लगी हुई है ना अभी, और हमें सोचा था कि हम डायरेक्ट अपने डॉक्टर से मिलते हैं, बट अभी उनके ऑफिस तक आए तो वो यहाँ पे है नहीं, तो लेट्स सी हम दूसरे को यूनिट में आए हुए हैं ना, हमें चेक करेगी कि नहीं करेगी। देखो ये पेशेंट लग रहे हैं मेरे साथ, ये देखो आपको भी बता रही थी ना मैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो देख सकते हो आप लोग ऐसा लग रहा है जैसे मेला लगा रहा है हॉस्पिटल में, और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे वेट क्योंकि हमारा नंबर काफ़ी लेट आने वाला है, तो कितना टाइम हमें, एक दो घंटे तो हो गया वेट करके, हमसे यहाँ इंतज़ार नहीं हो रहा और हंस हंस के पागल हो रहे हैं यहाँ पे। इट्स अ नेक्स्ट डे, हम आपको कल हॉस्पिटल में इतना कुछ खास बोला नहीं, बोला कि बीपी वगैरह ठीक है इतना, मतलब 130 तक नॉर्मल है, तो हम लोग पहुंच गए हैं वापस चिक्खर, अब जाना तो नहीं था, मतलब क्या बोलूँ अब ड्यूटी है करनी तो पड़ेगी, तो हम चिक्खर पहुंच गए और आज हम भाभी के घर पे ही खाना खा रहे हैं। हाय गाइस, तो हॉस्पिटल की बात ना डायरेक्ट मैं आपको सतलाई में मिल रही हूँ, वैसे मैं हम कल सुबह आ गए थे वापस, और रात को इतनी बारिश हुई अभी जैसे धूप से ऐसे लग रहा है ना कि क्या अच्छा मौसम, बट रात को जो बारिश हुई ना हमारे ना लग डर डर के बुरे हाल हो गए थे, 3 बजे मैंने हाथ में दवाई पकड़ी है, मैं पानी लेके आ रही क्योंकि तो रात को 3 बजे तक इतनी बारिश हुई है ना, और अभी येलो अलर्ट रेड अलर्ट ऑरेंज अलर्ट सब जारी हो गया, दो पानी मम्मी अपने दाग की ओर ढूंढ रहे हैं। उस दिन तो दूसरी थी तेरे पास काली काली जैसी, नहीं यही थी, नहीं दूसरी थी, यही थी मम्मी, पर्पल ली है मैंने शेड्स, मेरे को पता नहीं तो बहुत है ना, मेरे को शेड्स तो खरीदी मैंने, बट मेरे को ना शर्म आती पहनने में, तो मैं नहीं पहनूंगी, पता नहीं मैंने कभी पहनी नहीं ना शेड, शर्म नहीं आती मेरे को ना, बड़ा ऐसे अजीब सा लगता है शेड्स पहन के, ऑकवर्ड सा, मम्मी तो घर पे भी मस्त शेड्स पहन के रह सकते हैं अंदर कमरों में, दो चलो अभी पहन ले, ठीक है गाइस चली मैं, बाय। आज गर्मी ज़्यादा है तो आज हम खा रहे हैं स्कूल में वाटरमेलन, और मेरी क्लास के लिए भी अब थोड़ा सा टाइम रह गया है, आज हमारे लाइट ही नहीं है, सुबह दिन को 1:30 बजे से लाइट चली गई है और अभी तक लाइट ही नहीं आई है, और पता नहीं आएगी कि नहीं आएंगी, और आज येलो अलर्ट भी है तो बहुत रिस्की है, आज की रात ऐसी है कि आज की रात हमारी अच्छे से निकल जाए,
तो कल हम निकले के शिमला वापस, मौसम बहुत खराब हो रहा है तो और फोन में बैटरी भी कम है। सो दिस इज इट, नेक्स्ट व्लॉग अब हमारा शिमला में ही स्टार्ट होगा और कुछ नहीं। और बहुत जल्दी नन्हे मुन्ने के साथ भी व्लॉग आने वाला है, बहुत कम टाइम रह गया। सो या गाइस दिस इज इट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी मैं सूप पी रही हूँ, कुछ हेल्दी खाने का मन कर रहा था आज, तो बस यही पड़ा था अभी। या गाइस दिस इज इट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज की रात अच्छे से निकल गया, रात तो जैसे अंधेरा होने लगता ना वैसे डर लगने लग जाता है कि क्योंकि कल रात को इतनी बारिश हुई है ना, मैं तुम्हें बता रही थी ना बहुत बारिश हुई, इतनी थंडरिंग लाइटनिंग हर कुछ ही ज़्यादा, हर कुछ वाली इसको बोलते हैं। तो कल की रात भी ऐसे लग रहा था कि नहीं सुबह हो जाए, हम लोग शिमला निकले गए यहाँ बहुत रिस्की है, तो अभी भी ऐसे आज की रात भी ऐसे फिंगर क्रॉस करके निकालनी पड़ेगी, भगवान आज की रात अच्छे से निकल जाए और कल हम शिमला निकले।